यार व्हाट अ इंडिया विन हाई बाय स्कोर इंडियन वीमेन्स। ये कंडीशंस। मेंस भी अंडर हाँ 19 यशदोल जीता था आखिरी बार, अच्छा अब ये विमेन्स अंडर 19 जीत गई भाई। और शफाली वर्मा जो कि ऑलरेडी ऑलरेडी इंडिया की मेन टीम की लड़कियां, हालांकि ऑफ लेट शेफाली वर्मा यहां भी नहीं चली और इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं कर रही, हर मैच में मंदाना कंसिस्टेंट हो रही है, बट शी इज ओनली वेरी यंग, अंडर 19 लेवल की है भाई, वो 19 साल मगर है। यार वर्ल्ड कप तो जिता दिया डेफिनेटली आपने वर्ल्ड और कप क्या तो उसने अच्छा उठा ये लिया भाई, आप मतलब उसने भी लड़कियां वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप उठा देखने लिया। के अब लिए जब वो आपकी सीनियर टीम में, अब जब वो जाएगी फिर भाई, तो हरमनप्रीत वो कौर वर्ल्ड से कप के जरूर साथ कहेगी ही, मैंने भी वर्ल्ड कप जीत मैं लिया, वर्ल्ड कप अब आप लेकर भी आ जी रही हूँ। लो। अब ये फरवरी में है तो वर्ल्ड कप है आपका, 2023 का। यार नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ आपने वर्ल्ड कप खेलना है, तो मैं कह हाँ रहा हूँ एक वर्ल्ड कप लेके जाएगी, दूसरी वर्ल्ड जी कप की तैयारियों में होगी, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आएगा। और मैं ये पोजिशन का बता रहा था, इंतहाई लो पोचिस्ट्रॉम कंडीशन थी, वहां पर भी 60-65 रन, 68 रन बनाए जी, न्यूजीलैंड ने। मुझे अंदाजा था कि यहां पर उसी को भी होना था मैन ऑफ द मैच। दूसरी दूसरी बैटिंग में भी इतने ही स्लो चलेगा सारा मामला मेरे हाँ घंटे के इंडियन बाद। विमेन बेम्बूजल, हाँ मावुमा बेम्बूजल, बट इंडियन मेंस टीम ने आज बैम्बूजल नहीं किया, इनका अपना घंटा भी बच सकता था, मैं बता रहा हूँ। क्यूरेटर अरे पकड़ो, कन्नी क्यूरेटर कन्नी पकड़ो, कौन है इसका कन्नी, नाम बताओ भाई, हाँ बिल्कुल मैं ही, देख लूंगा, हाँ लेकिन तुम लोग भी बता देना जब तक। कन्नी कट हो गया आज बिल्कुल ही, हाँ बारीक क्या लाइन हो थी गया, आज करीना जीत कपूर की और हार के तरह दरमियान। हाँ क्या अंगड़ाई ले रहे हैं। अब करीना कपूर नहीं, मैं जरीना कपूर की तरह ले रहा ये हूं मैं तुम्हें बताऊं, ये हम तो अंगड़ाई। मजाक से कह रहे हैं ना, हाँ लोग समझ रहे हैं शायद हम बहुमा का शायद कोई मजाक वजाक बना रहे हैं अब काफी ये टाइम, तो जाहिल दो ठीक तीन है। कहते हो भाई, हमने तो उसको प्रमोट किया कि वो क्रिकेटर अच्छा है, आप बताओ मजाक इसलिए करते कि आप लोगों का इंटरेस्ट है। आप सुनो, इफ्तिखार अहमद क्या कर सकता है, तुम में से कितनों को मालूम था। अबे हमने बेचा उसे, इफ्ती उसकी ने एक क्या, बात बता के, चाचू को भी बकरा पसंद है खाने में, इफ्ती में अच्छा, चाचू इफ्ती ने, चाचू। चाचू ने आप हाला, पता चल गया दुनिया को, हाँ ये तो चा, देखा हमारे हाथों से कैसा मार रहे थे, खुदा ना खाता हो वर्ल्ड कप की 2 इनिंगों में रन नहीं करता तो ये तो कहते लानती है, लानती है। इनको क्या पता क्रिकेट का, इन्हें तो खाने दिखा दो, जॉगर दिखा दो, ये उसके हो जाते। अच्छा मैं बताऊं, ये बबूमा की सेंचुरी में साउथ अफ्रीका में तो कुछ शोर हुआ हो ना हुआ हो, हाँ मगर पाकिस्तान में जरूर लोगों ने लैंडमार्क बनाया होगा इसकी सेंचुरी हाँ को, कि यार ये देखो विनिंग कॉज में इसने रन भी इतने किए, नीचे वाले फंसे भी नहीं, आराम से हाँ रन भी करके चले गए, और हाँ 350 उसने चेस भी कर लिए। तो ये यहां पर डिस्कशन का बाद में, बबूमा अच्छा कप्तान है, इसका मतलब है लोग कह रहे होंगे देखो बबूमा की कप्तानी किस तरह की है, इंग्लैंड हाँ को मार दिया और मैं इंग्लैंड यहां सूर्या पर। को बैश कर करके पागल कर देता अगर इंडिया मैच हार जाता, बट उसने कुछ चेंज किया तो उसने बताया कि मैंने इसलिए चेंज किया, मेरी टीम की जीत जरूरी थी भाई, बहुत ही खराब विकेट है। सही है, तो मैं बाकियों को भी बता रहा हूं, कोई भी स्लो खेले दुनिया में लेकिन मैच लेके जाए फिर आखिर तक, आखिरी अच्छा ओवर में वो खड़ा हो, अगर वो छक्का वक्का मार देगा ना एक, और आखिर में 1 रन से हार जाएगा, फिर भी हम कहेंगे ठीक है यार नो इशू, इसने किया एक आधा रन शॉट रह गए, लेकिन यहाँ क्या होता है सबको पता है, जैसे ही 9-10 पे रन रेट गया चलो कट लो, क्योंकि वहीं से नजम, मेंटेन नहीं हो पाता आपसे। नजम सिटी के आने के बाद पुराने जो लड़के 2 साल से ड्रॉप थे उनके मुंह में हाँ झाग आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पिछले हाँ 2 साल में हमारे साथ ज्यादती की गई। सीनियर्स कभी कहा गया 30 साल के लोग नहीं खेलेंगे, 30 से ऊपर के, कभी कहा गया कि हाँ हमें सीनियर्स पसंद नहीं है, घंटा हो और गया। इसके ऊपर कई लोगों ने कहा था, ठीक है उस पर हम कल बात करेंगे, हम आपको बताएंगे कौन एक से लोगों बंदा ने। लिख रहा है इफ्फी को, बंदा है या बंदी है, मैं दूध जलेबी पिलाना चाहती हूँ दूध जलेबी, इफ्फी को, पिलाते नहीं हो वो, खाते हैं तोड़ तोड़ के भाई पहले पर फिर मैं पीते तो हैं। वो देखो लायलपुर का मक्खन लिया हाँ मैंने, लायलपुर या और नूरपुर, लायलपुर का, लायलपुर अपना चलता ज्यादा है, अच्छा हाँ है, लायलपुर का अच्छा मैं होता है, नूरपुर का वैसे लेता तो हूँ। ओमेगा का भी अच्छा आ रहा है, अच्छा उसका भी आ रहा है, ग्रीन लेडी का भी अच्छा आता है, ग्रीन लेडी, ग्रीन लेडी उसमें ओहो खुशबू आती है परफ्यूम की। वो अच्छा हो अच्छा या नहीं हो, नाम अच्छा है ग्रीन वो लेडी, मैंने तवे में रखा, उसपे ब्लू लेडी उसको पता है मुझे, खवातीन का परफ्यूम। उसमें डबल रोटी सेकी मैंने, अबे उसमें सब मक्खन सीख डाल लोगे के तुम सेकी क्या हमसे, मैंने, चले। और दूध गरम किया, आधा चमचा शक्कर डाली, दूध में शक्कर कम डाला करें, तो ये याद रखिएगा, ये मैं हाँ आपको यार ये बड़ी घरों एक पे कह अहम, कह के थक जाओ, लेकिन ये हाँ घर वाले जो है ना, ये चीनी और नमक का इस्तेमाल करेंगे, नहीं हमें कने, नहीं समझ आता पिंक सॉल्ट। चलें अल्लाह हाफिज, बस अभी फिलहाल चलते हैं, 1 घंटे से ऊपर नहीं जानी चाहिए, बहुत लंबी हो जाएगी भाई यार। सभी इंडियंस को मैं बोलना चाहूंगा, आप जहां पर भी हो भाई थोड़ा सा मीठा खा लो, क्योंकि इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के भाई अंडर 23 क्या वर्ल्ड कप मतलब, में फाइनल जीत बहुत लिया ही है। ज्यादा डोमिनेट परफॉर्मेंस दिया यार लड़कियों ने इंडिया के, और यार इतनी गंदी तरीके से इंग्लैंड वुमेन्स को हराया है कि वो भी याद रखेंगे भाई क्या। 68 पे ऑल हाँ आउट कर दिया यार, इतना कम स्कोर यार, अरे भाई, यार और इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली चेस किया है भाई, दबा के मतलब 7 विकेट से जीत लिया, अभी भाई काफी मतलब इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया है इंडियन वुमेन्स टीम ने अंडर 19 में, वो भी वर्ल्ड कप जीत लिया यार, कभी जीती नहीं थी एज सच इंडिया वुमेन्स वर्ल्ड कप, या तो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा होता था या तो इंग्लैंड का, इंग्लैंड का, लेकिन यार अब जिस तरीके से डोमिनेंस दिखा रही है इंडियन वुमेन्स टीम, चाहे वो अंडर 19 की हो चाहे वो चाहे मेन वो टीम टीम हो,
यार आउटस्टैंडिंग। अभी हमने एक फैक्ट ये भी देखा कि यार जो आईपीएल डब्ल्यू है यानी आईपीएल वुमेन्स का जो इंडिया में, वो पूरे पीएसएल के बजट से जो पूरा पीएसएल कंडक्ट होता है उससे 10 गुना है। तो यार भाई इतना तो बड़े बड़े मैं कहूंगा यार क्या परफॉर्मेंस निकल के आई उस पे हम बाद में बात करेंगे भाई। ये चीज हमें पता है क्या शो कर दिया है भाई, एक वुमेन मतलब जो वुमेन आईपीएल की से हमें पता लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट वुमेन क्रिकेट किस तरीके से ग्रो कर रही है। हमने देखा है कि पाकिस्तानी टीम भी जाती है वहां पे मैच खेल के फॉर्मेलिटी पूरा करके आ जाते हैं ये लोग घूम घाम के, क्योंकि कभी बड़े लंदन में और पेरिस जैसे शहरों को ये देखते नहीं है, तो वहां जाते हैं घूम घाम के शॉपिंग वॉपिंग करके अपना मैच, मैच में कुछ होता नहीं है 30-35 पे। यही इंग्लैंड टीम जिसे आज 68 पे ऑल आउट किया इंडिया ने, इन्होंने पाकिस्तान अंडर 90 टीम को यार 30-40 पे लुटका दिया था। तो यार इनकी परफॉर्मेंस तो वही है कि जाते हैं एक टूर होता है इनका जो है अपना घूम घाम के, मैंने बताया टाइम पास करके आ जाते हैं, क्योंकि यार ऐसे ऐसे लड़कियां खेलती है पाकिस्तान की तरफ से कि मतलब किसी ने जबरदस्ती बल्ला हाथ में दे दिया और बोल दे रहे हो कि भाई चलो फेंक दो, फॉर्मेलिटी पूरा करना है। तो यार इंडिया के क्वालिटी में और पाकिस्तान की क्वालिटी में कंपैरिजन भी नहीं बनता है, और कंपैरिजन यार देखो अब होने वाला भी नहीं है, क्योंकि यार इंडिया में वुमेन्स जिस तरीके से खेल रही है क्रिकेट तो काफी इंप्रेसिव, और पैसा भी कितना लग रहा है कि पीएसएल से 10 टाइम बड़ा आईपीएल डब्ल्यू हो रहा है, तो जो वुमेन्स खेलेगी उसकी सैलरी बाबर आजम से 10 गुना होगी यार। तो यार ये कितना डिफरेंस देख सकते हैं भाई एक मैन टीम में और एक वुमेन टीम, यानी जो इंडिया के टीम में आईपीएल खेलने आएगी जो महिलाएं पूरे वर्ल्ड से, उनकी सैलरी बाबर से 10 गुना होगी। तो आप लोग सोच सकते हैं यार रेवेन्यू वाइज भी आईपीएल डब्ल्यू कितना बड़ा हो गया है। तो ये तो परफॉर्मेंस डिजर्विंग ही था, उम्मीद ही था इतना, क्योंकि यार इतना पैसा लगाने के बाद तो ऐसी ही परफॉर्मेंस निकलती है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लैंड को हराना भाई ऐसा बहुत ही तारीफ लायक है यार ये इंडियन टीम, जिस तरीके से उसने 68 रन पे ऑल आउट कर दिया पहले और फिर उसे काफी आसानी से चेस कर लिया, 5-6 ओवर रिमेनिंग थे भाई। और मैंने पूरा अंडर 19 वर्ल्ड कप का स्कोर कार्ड देखा और कहीं भी ऐसा नहीं पाया कि टीम इंडिया कहीं पे स्ट्रगल करती हुई नजर आए, कॉम्प्रिहेंसिवली हराया सभी टीमों को, ऑस्ट्रेलिया को भी लुटकाया इन्होंने, वेस्ट इंडीज और कोई भी टीम रास्ते में आई उसका साफ कर दिया। तो यार ये भी काफी अच्छे साइंस है टीम इंडिया वुमेन्स के लिए, और मेंस अच्छा कर ही रही है। तो जुड़े रहे क्रिकेट तक पे ऐसे ही वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।